कोर्स जो आज का मेरा जो टॉपिक है टीथ ब्रेसेस के ऊपर, यानी से बाय बाय टू टीथ ब्रेसेस। टीथ ब्रेसेस का जो मैंने बहुत इजीली हल आपके लिए मैंने तलाश किया है। वैसे टीथ ब्रेसेस के लिए डॉक्टर्स जो हैं आपसे 40 to 60,000 यानी इन बिटवीन ले लेते हैं आपसे। जो मैंने जो इसका जो तोड़ निकाला है, यानी जैसे कि मिसवाक के वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, यानी आपके दांत साफ हो जाते हैं, यानी माउथ से स्मेल आना बंद हो जाती है। लेकिन इसका एक और फायदा भी है आपके लिए मिसवाक का, यानी टीथ ब्रेसेस वैसे आपको यानी 50,000 to 40,000 इस तरह आपको डॉक्टर्स लगा के देते हैं, लेकिन ये जो है आपको सिर्फ यानी अगर आप इन यूएई रहते हैं तो ये आपको यानी 1 dirham का मिलेगा, और अगर आप यूके या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो ये यानी 1 dollar का, यानी अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं ये आपसे 20 to 30 rupees का ये आपको मिल जाएगा। यानी बहुत ही चीप रेट में आपको ये मिल जाते हैं मिसवाक, और वैसे भी लोग कम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इससे टीथ ब्रेसेस को क्यों आप बाय बाय कहेंगे, यानी इसके इस्तेमाल करने से, यानी जब आप ये मिसवाक इस्तेमाल करते हैं तो जब ये मिसवाक आप जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको जो आपका हैंड है वो आप लोग जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपके हैंड के प्रेशर से दांत में जोर पड़ रहा होता है। यानी मेरा मकसद ये नहीं है कि जब आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत जोर लगा के इसको इस्तेमाल कर रहे हो और बाद में आपके मसूड़ों से खून निकलना भी स्टार्ट हो जाए। आप जो नॉर्मली जिस तरह आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं आप उसकी जगह मिसवाक यूज़ करें, यानी डेली यानी एक दिन में ये 2 to 3 times आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप 5 times प्रेयर्स करते हैं तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, आपको 5 times यूज़ करें। नहीं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप इसको 2 to 3 times इस्तेमाल करेंगे एक दिन में। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसे साफ करते हैं या ऐसे साफ करते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह साफ करें। जब आप इस तरह साफ कर रहे होते हैं तो आपके दांत को टीथ को ये प्रेशर पड़ा होता है हाथ का, यानी नॉर्मल जितना प्रेशर होता है जिस तरह टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं सेम उसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब आप कह रहे होंगे कि टूथब्रश से भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन नहीं, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मिसवाक में कोई नेचुरल क्वालिटी है जिसकी वजह से आपके मुँह से स्मेल आना भी बंद हो जाती है और दांत भी साफ होते हैं। इसमें कोई हम लोग पेस्ट नहीं लगाते हैं, टूथब्रश में हम लोग पेस्ट भी लगाते हैं, ये कुदरती आपका साफ करेगा। जब आप लोग ये साफ कर रहे होते हैं यानी जब आपका हैंड का प्रेशर लग रहा होता है इट्स मीन आपके दांत को यानी आपके दांत बाहर निकलना बंद हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही चीप रेट में है, डॉक्टर्स बहुत यानी एक्सपेंसिव लेते हैं। ये जो चीज़ है यानी गरीब से गरीब तर भी ले सकता है और अमीर से अमीर तर भी ले सकता है, और जो टीथ ब्रेसेस के जो एक्सपेंस हैं वो गरीब बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतने पैसे वो लगाते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के दांत बाहर आ जाते हैं। अमीर लोग तो 40,000 to 50,000 दे के तो अपने ये चीज़ करवा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग ये एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इससे गरीब भी और अमीर भी दोनों बच सकते हैं। अमीर का पैसा सेव हो जाएगा और गरीब जो इतने एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो लोग ये चीज़ इस्तेमाल करके अपने दांत को बचा सकते हैं। वैसे तो मिसवाक का आप यूज़ करने से आपके दांत भी मजबूत होते हैं, मसूड़े भी मजबूत होते हैं, लेकिन इससे आपके दांत बाहर निकलना भी बंद हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आप मिसवाक लें, कोई भी मिसवाक हो आप उसको इस्तेमाल करें, और ड्यूरिंग 1 week आपको पता चल जाएगा कि इसके इस्तेमाल करने से आपके दांत को कितना फ़र्क पड़ा है, कितना फ़र्क पड़ा है। अगर मेरी बात ये झूठ हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जितनी गालियां देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं हाजिर हूं। और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद है ताकि आप लोग ये डॉक्टर्स के पास इतने महंगे एक्सपेंस यानी इतने पैसे दे रहे हैं बजाय आप मिसवाक यूज़ करें, इससे आपका भी फ़ायदा है यानी फजूल खर्ची से आप बच जाएंगे। यानी मैं तो फजूल खर्ची कहूँगा जब आपको एक चीज़ ये 30 rupees की चीज़ अगर आपको ये टीथ ब्रेसेस से बचा रही है तो आपको लाजम मिसवाक यूज़ करना चाहिए ताकि आपके दांत भी बच जाएँ
और ये जो डॉक्टर्स वगैरह जो ड्रिल्स वगैरह करके ये लगाते हैं, इससे भी आप बच जाएंगे। और ये आपको कब तक इस्तेमाल करना है? वैसे टीथ ब्रशेस के लिए डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं 2 से 3 ईयर, 2 से 3 ईयर बाद आप फिर आते हैं वो उतारते हैं, क्या पता फिर दोबारा वो लगाते हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ 1 ईयर इस्तेमाल करना है। वैसे तो आपको 1 वीक में, 1 मंथ में इसका फायदा आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत कितना बार निकलना बंद हो गए हैं, लेकिन आपको 1 ईयर कंटिन्यूसली इसको इस्तेमाल करना है, यानी डेली 2 से 3 टाइम। अगर आप 5 टाइम प्रेयर पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं, कायम करते हैं, तो ये और भी आपके लिए अच्छा है। जितना आप इसको मतलब अगर 5 टाइम प्रेयर करते हैं या 4 टाइम आप करते हैं, आपके लिए और आसानी होगी। यानी 1 ईयर के बजाय आप 8 मंथ्स में भी आ सकते हैं, 6 मंथ में भी आ सकते हैं। ये आपके दांत पे डिपेंड करता है कि आपकी दांत की जो ग्रोथ हो रही है, जो बाहर आ रहे हैं, वो किस तरह है। मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली प्लीज़ मेरी ये वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं वो ना जाएं और ये 30 रुपये से अपना इलाज करवा लें, यानी दांत का खुद ही कर लेंगे। आप खुद एक किस्म के डॉक्टर हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। काइंडली प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरा जो 2 चैनल्स हैं, एक प्लस 18 जनरेशन और एडी रिकॉर्ड्स, मेरा ओल्ड चैनल जो है प्लस 18 जनरेशन है और न्यू चैनल है एडी रिकॉर्ड्स है। काइंडली दोनों सब्सक्राइब करें।